राजकुमार राव ने एक बार फिर से अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि भाई वो हैं इस वक्त बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर। जी हाँ, राजकुमार राव, जिन्होंने पास्ट में एक से एक बेहतरीन फिल्में करी हैं, जहां पे उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में नेशनल अवार्ड भी जीत लिया। अब वो बनकर आ रहे हैं एक ऐसे किरदार में जो कि ब्लाइंड है, चैलेंजिंग कैरेक्टर है और साथ ही साथ वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोल्ला की, और ये जो है रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। कौन है वो, आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ फिल्म का ट्रेलर कितना ज्यादा अपीलिंग और इंस्पायरिंग है वो भी बताऊंगा। आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें पेज को। दोस्तों, हम सबको पता है कि राजकुमार राव पावर हाउस ऑफ टैलेंट है, इसीलिए शायद फिल्म के निर्देशकों और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने राजकुमार हिरानी को पहली चॉइस बना डाला जो कि विजुअली इम्पेयर्ड एक किरदार को निभा सके। आपको बता दूं तो श्रीकांत बोल्ला जो है वो आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे, और वो मैसाचुसेट्स में जो बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी है वहां से पढ़कर आए हैं, MIT जिसे कहते हैं, और प्लस उसके बाद आके उन्होंने भारतवर्ष में आके काम किया और बहुत अच्छा अपनी इंडस्ट्री, अपने एम्पायर को खड़ा कर दिया। सोचिए, एक विजुअली इम्पेयर्ड है, हम लोग तो देख पाते हैं, उन्होंने सिर्फ सुन के सेंस करके ये सारी चीजें कर डाली। तो इसी लाइफ को, इसी अनसंग हीरो की गाथा को बताने के लिए डिसाइड किया है, और टी सीरीज पे एक बेहतरीन ट्रेलर रिलीज किया है। 10 मई को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, और एक्चुअल में देखा जाए ना दोस्तों, तो ये दिल से मैं कहता हूँ ये फिल्म हिट होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है। जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखते हैं ना, आप लिटरली गूज बम्स फील करते हैं। कोई फालतू का मसाला नहीं, कोई किसी तरीके का मारधार एक्शन नहीं, या फिर कोई वन लाइनर नहीं, ना ही कोई अश्लील आइटम सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर ऑनेस्ट कोशिश। भाई वाह, दिल खुश कर दिया मेरा तो। मैंने जब ट्रेलर देखा, मैंने कहा तुरंत इस पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इस बारे में जरूर जानकारी दूं कि एक ऐसी भी फिल्म आ रही है, मतलब ये समस्त OTT और ये जो जितना भी अभी कंटेंट चल रहा है इसके बीच में एक बेहतरीन फिल्म आ रही है जिसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो कि है श्रीकांत, जिसमें ज्योतिका जी भी है। जी हाँ, रिसेंटली हमने उन्हें शैतान में देखा था, और ऑफ कोर्स उनकी हमें चंद्रमुखी तो सबको ही याद है। तो यस, कमेंट कीजिए, बताइए क्या कहना है आपको, और बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे टेली खजाना।